आगे बढ़ेंगे बागपत से बड़ी खबर। फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए बाराती, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बारात में शामिल 20 लोगों की तबीयत बिगड़ी है, दूल्हा बच्चे समेत महिलाएं भी बीमार हुई हैं। बागपत जिला अस्पताल में सभी को भर्ती कराया गया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर फूड पॉइजनिंग के कारण कई लोग बीमार, बारात में शामिल 20 लोगों की तबीयत बिगड़ी है, दूल्हा बच्चे समेत महिलाएं भी बीमार, सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बागपत जिला अस्पताल में सभी को भर्ती कराया गया है, सभी का इलाज चल रहा है, 20 लोग बीमार है। फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए बाराती और बारात में शामिल 20 लोगों की तबीयत बिगड़ी है। बड़ी खबर आपको बता रहे, दूल्हा समेत महिलाएं बच्चे भी शामिल हैं जिनकी तबीयत बिगड़ी है और फूड पॉइजनिंग के कारण कई लोगों की तबीयत बिगड़ी, फिलहाल अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया। बागपत जिला अस्पताल में सभी को भर्ती कराया गया है और फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए बाराती। बड़ी खबर, दूल्हा समेत बच्चे और महिलाएं भी बीमार, बारात में शामिल 20 लोगों की तबीयत बिगड़ी, सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उनका इलाज जारी है। बागपत जिला अस्पताल में सभी को कराया भर्ती, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए बाराती, बारात में शामिल 20 लोगों की तबीयत बिगड़ी। तो दूल्हा बच्चे समेत महिलाएं भी हुई है बीमार, बागपत जिला अस्पताल में सभी को भर्ती कराया गया है, सभी का इलाज जारी है। तो फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए सभी बाराती, सभी की तबीयत बिगड़ने पर उनका इलाज जिला अस्पताल में किया जा रहा है और दूल्हा बच्चे समेत महिलाएं भी बीमार है। फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए बाराती, बारात में शामिल 20 लोगों की तबीयत बिगड़ी है और दूल्हा बच्चे समेत महिलाएं भी हुई बीमार।